इधर कंधे में ये दो बड़ा कंधा है, आज मैंने पहले से काट ली हूँ इसको, बारीक इस तरह से काट लेना है, इसको चाकू से काटना है, घस के नहीं निकालना है, उससे टेस्ट निकल जाता है, उसका टेस्ट कम हो जाता है। अब हम अब इधर और चिकन टिक्की पाव के लिए इधर ये 6 पाव है और मेरे पास ये अमूल का बटर है, ये भी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा लगाएंगे। और इधर ये कांदा है सजाने के लिए, और इसमें धनिया भी जाता है, लेकिन आज हमारे पास धनिया नहीं है इसलिए धनिया हम नहीं ऐड करेंगे, नहीं भी रहा तो भी चलेगा। और इधर घोल के लिए इधर इतना ये बेसन है, ये मैदा है, ये थोड़ा सा रवा है, सब घोल बनाने का अलग से, इसको डुबोने के लिए। अब इधर हम ये सब सामान एक जगह ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ये चिकन है, अब इसमें हम ये सभी मसाले ऐड कर देंगे, ये कांदा भी ऐड कर देंगे, 2 बड़ा कांदा है, और इधर ये बेसन है,